हे गुड मॉर्निंग, क्या बोलती है पब्लिक, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह हमने अपलोड किया है वो वाला वीडियो जिसमें मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड का वीडियो रिवील किया है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, मैंने हाईएस्ट लोएस्ट और मेरे परसेंटेज सब कुछ बताया है 12th स्टैंडर्ड का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो देख सकते हो, यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा। पहले ये वीडियो देख लो फिर वो देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता ही है, कल के वीडियो में रात को आपने देखा मेरे को सर्दी हो रही थी, वो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई आज सुबह। तो आई होप मैं जल्दी रिकवर कर जाऊँ, और ये मेरे को लगता है अगस्त में मेरे को 15 में से 10 दिन मेरे को सर्दी हुई है और 5 दिन मैं नॉर्मल रहा हूँ, और वो सर्दी एक्सट्रीम लेवल की नहीं थी, एकदम नॉर्मल से भी कम। तो इस वजह से आज मैं ज़्यादा देर सोया, 11 बजे तक सोया, और अभी मैं रेडी हुआ हूँ, 12 भी बज चुके हैं, अब चाय नाश्ता करने जाऊँगा। थोड़े से इस्त्री के लेसन्स ले रहा था मम्मी से, पर आसान नहीं है करना, तो जैसे जैसे करता रहूँगा मैं इस्त्री सीखता रहूँगा, वैसे मेरे को भी इजी लगेगा। भाई जितनी इंग्लिश जॉन सीना बोलता है ना उतनी आती है, क्यों हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा मजाक किरकिरा कर रहे हो? ये हिंदी वाला WWE कभी मत देखना, बहुत बहुत घटिया कॉमेंट्री करते हैं, सच बताऊँगा। ये मेरी हल्दी वाली चाय रेडी हो गई है, सर्दी हो गई है ना, हल्दी वाली चाय पीनी पड़ेगी। बहुत घटिया फील हो रहा है अभी, टीएम के उसे मैं देख रहा था, मस्त एपिसोड आ रहा था वो जादू अंगूठी वाला। पागल है क्या तू? हाँ वो लोग वहां पे रहते हैं भाई, इनको मत भौंक। खेत में से थोड़े भाई लोग जा रहे थे उनके घर पे, तो उनको भौंक रहा था ये, तेरा खाना थोड़ी छीनने आ रहे हो लोग। अब मैं जाता हूँ नीचे, ऋषभ पंत क्या कर रहे हैं देखते हैं। 4 बज चुके हैं, मेरे को लगता है आउट ना हो गए हो, काफी लेट हो गया है। आधे घंटे में तो नए बॉल से एंडरसन ने गेम भी बजा दिया होगा इंडिया का, पर फिर भी देख के आते हैं। चलो होप करते हैं कि विकेट ना गिराओ, मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं है पूरा दिन आज जितना स्टार्ट हुआ है उतने में। तो अभी मैं चैनल क्लिक करूंगा और ओ दिस इज गुड बट दिस इज नॉट गुड। भगवान ऋषभ पंत क्रीज पे है ना? नहीं है, शिट, नहीं है ऋषभ पंत क्रीज पे। 78 ओवर्स बाकी है और बुमराह और शमी खेल रहे हैं, सिराज नेक्स्ट बैट्समैन है, और पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। वाओ अमेजिंग पार्टनरशिप देख लो आप, वाओ दिस इज रिस्पेक्ट मैन, कम ऑन। यस ये भी देख लो, जैसे जैसे मैं जिंदगी में और ज़्यादा टेस्ट मैच देख रहा हूँ, ऐसी पार्टनरशिप्स देखने मिल रही है, जैसे वॉशिंगटन और शार्दुल ठाकुर के बीच में, हनुमा अश्विन के बीच में, और आज ये वाली पार्टनरशिप, पहली मैच में सिराज और बुमराह की पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप्स देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जब बॉलर्स आपके लिए रन बना रहे होते हैं ना, बेस्ट फीलिंग होती है टेस्ट मैच में वो वाली। और अब मैं ये मैच कंटिन्यूसली देखूंगा जब तक अपने बैट्समैन खेल रहे हैं, दे आर नॉट बॉलर्स दे आर बैट्समैन। Yes, boy. That's a badass inning, bro. Badass. देख लो शॉट, देख लो एक बार, इससे लंबा शॉट ये सीरीज में अगर कोई मार दे। Yes. Yep. The man. राजेश मिस कर रहा है ये मैच बेचारा। बहुत ज़्यादा सॉलिड पेशेंस चाहिए होता है जब आप डॉग को वॉक पे लेके आते हो। आई होप सेकेंड सेशन जल्दी स्टार्ट ना हो, क्योंकि मेरे को देखना है फर्स्ट बॉल से, और रॉकी की वॉक 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, तो 6:20 तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। पर मेरे को लगता है कि 6:05 को शुरू होता है सेशन। सनी आ जा, तुझे घर पे ले चलूं शमी और बुमराह की बैटिंग दिखाने। चल रॉकी। तो ये है आज का डिनर, उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं मैच, इंडिया काफी अच्छी हालत में है। आज जब हम लोग ऑफिस में बात कर रहे थे तो सारे भैया लोग ने ये बोला था कि अरे यार इंडिया जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है, या तो इंग्लैंड जीतेगी या तो मैच ड्रॉ होगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत भी सकती है, और मेरे को अभी भी देख के ऐसा लग रहा है कि 38 ओवर्स बाकी है और 7 ही विकेट चाहिए अपने को लेने के, तो अभी भी इंडिया जीत सकती है मेरे को लग रहा है। अगर इंडिया जीत गई तो कल सबको जाके बोलूंगा मैंने बोला था इंडिया जीत सकती है, मैंने बोला था, है ना रॉकी, है ना रॉकी? यस जीत गए भाई। सो इसी तरीके से आज हम लोग टेस्ट मैच जीत गए। ये देखो मैंने एंड करने के लिए ये शर्ट पहन लिया, क्योंकि और कुछ मेरे को मिल ही नहीं रहा था पहनने के लिए। यहाँ पे लोग फटाके फोड़ रहे हैं अभी रात के 12:30 बजे,
मैच का जश्न मनाया जा रहा है, देख रहे हो आप। ये होता है इंडिया में जब आप लोग इतना मेहनत करके जब टेस्ट मैच जीतते हो या कोई भी मैच जीतते हो ना, कोई ऐसे बड़ा इवेंट, तब लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, और जब उल्टा होता है तब गालियाँ भी देते हैं, ये भी बात है। राजेश आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो छोड़ो, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि ये वाला वीडियो कब बाहर जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं फिलहाल वीडियो एडिट कर रहा हूँ उसमें अपन शायद सेकेंड या थर्ड डे है टेस्ट मैच का, थर्ड डे है मेरे ख्याल से, वो भी फर्स्ट टेस्ट मैच का, और आज सेकेंड टेस्ट मैच खत्म हुआ है, पांचवे दिन पे खत्म हुआ है। हाँ, पांचवे दिन पे खत्म हुआ है। जो भी है, आप जब भी देख रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास वीडियो पहुंचाए। और आज बहुत लोग ऑफिस में मेरे बालों का बहुत मजाक उड़ा रहे थे, वैसे मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मेरे को बुरे नहीं लग रहे हैं। अरे आज है ना, एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ, मैं आपसे कल शेयर करूंगा। इंडिया जीत चुकी है, बहुत नेक्स्ट लेवल। आज ऑफिस में जब हम लोग लंच टाइम में बात कर रहे थे, तो मेरे जो सीनियर थोड़े बड़े भैया लोग हैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं ये बोल रहा था उनको कि हम लोग टेस्ट मैच जीत जाएंगे, और सबके सब ने मना किया था कि या तो इंग्लैंड जीतेगी या तो ड्रॉ मैच होगा, वरना थर्ड प्रोबेबिलिटी जो इंडिया विन, जिसकी तरफ मैं बहुत ज़्यादा झुका हुआ था, वो तो किसी ने चूज ही नहीं किया था। ये कितने बजे की बात है? ये बात है 1:30 बजे की, 1:30 बजे, 1:30-2 बजे, मतलब जब मैच शुरू नहीं हुआ था। मैं किस हिसाब से सोच रहा था मैं बताता हूँ आपको, मैं ये सोच रहा था कि पंती आएगा और एक सेशन बहुत गंदा पेलेगा, बेस्ट केस सिनेरियो में पंती जो है 50 से 80 रन बनाएगा, ठीक है, उसमें मैं सोच रहा था कि 200 का टारगेट आएगा, फिर 200 में जो बंदे लोग बॉलिंग करेंगे अपन सबकी विकेट ले लेंगे और जीत जाएंगे, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। पर यहाँ पे केस ही उल्टा हो गया, पंती आया और आउट हो गया, फिर शमी और बुमराह ने जो किया है वो बहुत ही एपिक है। अभी तक मैंने जो लाइव एक्शन है वो देखा नहीं है, मैंने सिर्फ जो हाईलाइट्स है और सनी से सुना है वही है, पर बहुत ही बड़ा हीरोइक है शमी ने, 50 करे, और वो भी ऐसी सिचुएशन में। एक होता है ना कि बॉलर ने रन करे, पर ये है कि बॉलर ने जिस टाइम पे चाहिए था उस टाइम पे रन करे। अरे ये काफ़ी शॉकिंग है, पर जब इंग्लैंड में इंडिया की विन दिखा रहे थे ना, तो मतलब एक पूरा पेज भी नहीं भरा था, उतनी ही इंडिया की विन्स थी, 8-9 विन्स है इंडिया की इंग्लैंड में जाके। फर्स्ट मैच जो था वो भी हम लोग ऑलमोस्ट जीत चुके थे वो समझ लो, और अभी ये सेकेंड मैच जो हम लोग जीत चुके हैं, और एक्चुअल में आज तक हिस्ट्री में इंडिया कुछ गिनने चुने ही मैच जीत पाया है, मतलब जिस हिसाब से इंडिया कभी सीरीज नहीं जीती होगी इंग्लैंड में, बिल्कुल भी नहीं जीती होगी मेरे ख्याल से। और अभी आप डोमिनेशन समझ सकते हो आज की जो टीम इंडिया है उसका। और मेन चीज क्या बताए कि कभी भी लौंडे लोग ये नहीं करते कि अरे यार हार जाएंगे या हम मैच बचा लेते हैं, नहीं, हमेशा विन के लिए जाएंगे। जब आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच होगा वो भी देखा होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, उसमें भी अपन जीत के लिए ही जा रहे थे, वरना वो मैच उस मैच ड्रॉ हो सकता उस था। मैच की बात मत कर यार, मेरे को वो मैच अच्छी नहीं लगती। एनीवेज, पर वो वाला मैच इजी ड्रॉ हो सकता था, इसलिए नहीं कि हम लोग हारे थे, पर इसलिए जिस तरीके से वो मैच हुई थी वो मेरे को नहीं पसंद हुई, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, वो मैच बहुत आसानी से ड्रॉ हो सकता था, पर फिर भी उस मैच का रिजल्ट लाना अपने आप में एक चैलेंज था, पर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करा। और यंग ब्लड यही चीज़ है कि हमको नतीजा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, इसलिए आज इंडिया की एक परसेंटेज बता रहे थे, इंडिया के 43% ऑफ द टेस्ट मैचेस में रिजल्ट आ जाता है, मतलब देख रहा है तू, पहले टेस्ट मैचेस में कभी कभी रिजल्ट आता था, आ जाता था, वरना लोग दो दो इनिंग बैटिंग करके खत्म कर देते थे, मतलब एक बंदा दो इनिंग बैटिंग करता था, एक बंदे को एक ही इनिंग मिलती थी और ऐसे ही मैच ड्रॉ हो जाता था। इसकी वजह से टेस्ट मैच की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और टेस्ट मैच भी ऑडियंस के लेके आ रहा है। मेरे को तो बहुत पसंद है, मतलब सबसे ज्यादा पसंद आने लगा है अभी टेस्ट मैच, और ऐसी मैचेस देख के और ज्यादा टेस्ट मैच के लिए प्यार बढ़ जाता है। मतलब काफी, अभी तो 3 मैचेस बाकी है इसी सीरीज के, अभी 2 ही हुआ है, 2 मैचेस में अपन 1-0 ऊपर है, तो होपफुली अपन ये सीरीज जीत जाए। जब ये ब्लॉग आएगा तब शायद तीसरा मैच शुरू या खत्म भी हो गया होगा। एनीवेज गाइस, अभी के लिए ये वाला वीडियो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो रेड कलर का बटन दबा के, क्योंकि इतना डिले हो गया है फिर भी अपन वीडियोस कर रहे हैं थोड़ी हिम्मत करके, ठीक है। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि मैं सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके लॉक स्क्रीन तक ले जाऊं। दैट्स इट फॉर द डे, आपको मिलूंगा कल, तब तक के लिए पीस आउट। और फिलहाल मेरा सैलरी वाला जो वीडियो है उसका एडिट चल रहा है अभी तक, अगर देखा नहीं तो चेक कर लो, इंडेक्स पे लिंक होगा, हाँ जाके देख लो।